हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं वेज बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करने हैं और इसमें स्लाइस्ड अनियन डाल देने हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये जो भी इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ करती हूँ इस सब मैं नीचे लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब ये ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब हम पानी गरम करेंगे चावल उबालने के लिए। इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, हरी इलायची, काली मिर्च, जीरा, साबुत जीरा, 1 बड़ी इलायची, लौंग, नमक, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच तेल। अब इसमें हम ये बासमती राई डाल देंगे। ये मैंने एक घंटा तक भिगो के रखे थे, इन्हें अब इसमें डाल देंगे। बासमती राइस को भिगोना ज़रूरी है। थोड़ी देर पकने देंगे, अब इसे चेक करेंगे। 70% ही पकाना है। ये हमारे राइस पक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मिक्स वेजिटेबल लेते हैं जो भी आपकी पसंद की हो और इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे एक साइड रख लेना है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए गैस में कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी डालें। अब इसमें डालें क्यूमिन सीड, जीरा, साबुत जीरा, 2 हरी मिर्च। जब ये फ्राई हो जाए तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसे सॉफ्ट होने तक भूनना है। ये सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे ये सब्जियाँ। ये मैंने ली है फूलगोभी, आलू, गाजर, पनीर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीन्स भी ली हैं, जो आपको पसंद की सब्जियाँ हों वो आप ले लें। इन्हें अच्छे से मिक्स करके अब 1 मिनट तक कवर करके इन्हें पकने देंगे। इन्हें फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम उबले हुए चावल डालेंगे। पूरे चावल नहीं डालने हैं, हाफ चावल डालने हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने अनियन फ्राई करके रखे थे, वो हम इस तरह से फैला देंगे। और ये जो पुदीने की पत्तियां हैं बारीक कटी हुई, ये भी, और धनिया पत्तियां बारीक कटी हुई, ये भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। 1 चम्मच हम गुलाब जल ले लेंगे, रोज़ वाटर, और 1 चम्मच ही केवड़ा वाटर। ये केवड़ा वाटर पूरी तरह ऑप्शनल है। अब इसमें हम बाकी के चावल डाल देंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे 1 चम्मच, घी से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अब फिर से मिंट लीव, कोरिएंडर लीव, फ्राइड अनियन, रोज वाटर और केवड़ा वाटर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालेंगे और ये जायफल को इसके ऊपर कद्दूकस करके डाल देंगे। अब इसे कवर करके डायरेक्ट गैस में नहीं रखेंगे, पहले तवा रखेंगे, उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और धीमी आंच में 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। अब ये पक गया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। हमारी बिरयानी रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत खुशबू आ रही है इसकी। अब इसको हरा धनिया के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।